बताएंगे होम मेन्यू। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेगा, विंडोज आर करेगा और यहां पर टाइप कर लीजिएगा पावर पीएनटी। पावर पीएनटी टाइप करने के बाद यहां पर ओके बटन को ओपन कर देंगे तो ये आपका जो है पावर पॉइंट यहां पर ओपन होकर के आ जाएगा। आज हम इसमें बताने वाले हैं आप लोगों को होम मेन्यू। तो इसे यहाँ पर क्या करेंगे, ये देख सकते हैं इसका नाम है स्लाइड, ये जो दिया गया है इसको हम बोलते हैं क्या, स्लाइड। तो स्लाइड यहाँ पर शो करता है आप लोग, स्लाइड का शॉर्टकट के यहाँ पर लाने के लिए है कंट्रोल प्लस एम। तो कंट्रोल प्लस एम से मैं यहाँ पर कर दिया तो 1 2 3 4 5 जितना आप लोग स्लाइड लेना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड लेकर के अपना यूज कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आज हम आप लोगों को बताएंगे होम मेन्यू। उससे पहले आप लोग जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में कमेंट में जरूर बताएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले यहाँ आप क्या करेंगे, ये देखिए होम दिया गया है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इसको यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या करने के लिए कैसे यूज करते हैं यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये दिया गया है मैं आप टाइप कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं टाइप कर दिया देवराज कंप्यूटर। इसको यहाँ पर देखिए ये आपका हाईलाइटेड नहीं है, तो हाईलाइटेड कैसे होगा इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट आप लोग करेंगे यहाँ पर देखिए आपका हाईलाइटेड जो है कैंची का एक आकार रेडी हो गया है। जब यहाँ पर बाहर क्लिक कर देंगे तो देखिए कैंची पर कितना भी क्लिक कर देंगे आपका काम नहीं करने वाला है। जब तक इस पर क्लिक नहीं होगा और ये सेलेक्ट नहीं होगा आपका, तब तक आपका कैंची जो है हाईलाइटेड नहीं होगा। यह इसका नाम है कट। इसको हम क्या करेंगे, जैसे आप क्लिक करते हैं यह आपका जो टेक्स्ट लिखा गया है वह कट हो चुका है। और यहाँ पर क्लिक टू एड सबमिटेड यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन जब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा तो यह आपका यहाँ पर दिखाई दे देगा जो हम पहले क्या किए थे, टाइप किए थे। तो पहले जो कॉलम में था वो आप देख सकते हैं दूसरे यहाँ पर सेल में आपका टाइप है। इसे अगर यूज करना है कि नहीं, इस वाले में भी आपको मिल जाए और इसमें मिल जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ क्या करना है, बस यहाँ से यहाँ पर जो है कर्सर दिख रहा है ना, पेस्ट। तो यहाँ क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस वी, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पेस्ट का यूज कर सकते हैं। चल तो यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट आपका फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करेगा, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। इसको मान लीजिए यहाँ पर देव, यहाँ पर देवराज को मैं सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको कलर दे दीजिएगा और यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं आप लोग है। तो ये आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कलर टेक्स्ट हो गया और बोल्ड भी हो गया। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं, इसको भी हम अगर कर दें यह वाला जो टेक्स्ट है, तो इस पर खाली क्लिक करना और फॉर्मेट पेंटर पर एक बार खाली क्लिक करना। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर क्लिक आपका माउस नहीं होना चाहिए, माउस आपका क्लिक यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा गया उसको ये पूरी तरीके से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यह भी आपका पूरा का पूरा जो है कलर, मतलब कलर और जो है यहाँ पर बोल्ड होकर के आ जाने वाला है। तो यह फॉर्मेट पेंटर कार्य करता है कि पिछले कार्य को दोहराता है। तो यहाँ पर पिछले कार्य को दोहरा करके यह इसको भी उसी तरीके फॉर्म में ला दिया है। यहाँ पर दिया गया है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड के लिए यहाँ पर अभी देखिए 5 स्लाइड दिख रहा है, तो छठवां स्लाइड लेना चाहते हैं तो कैटेगरी पूछ रहा है यहाँ पर है किस कैटेगरी का आप यहाँ पर फॉर्म लेना चाहते हैं स्लाइड। तो यहाँ पर दिया एक ब्लैंक, ब्लैंक का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है अनेक प्रकार के स्लाइड, तो अनेक प्रकार के स्लाइड भी आप लोग यूज कर सकते हैं आप लोग अपने इच्छा अनुसार। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैं यूज करके भी दिखा दे रहा हूँ। अगर इस पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये छठवां स्लाइड पर देखिए आपका क्लिक टू एडिट टेक्स्ट यहाँ पर दिख आ रहा है, और यहाँ पर देखिए क्लिक टू एड टाइटल, और यहाँ पर लिख के आ रहा था क्लिक टू एड टेक्स्ट। यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं कुछ भी तो यहाँ पर अपने टेक्स्ट के बारे में लिख सकते हैं और यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं यहाँ पर है। और जो आप यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक बनाना चाहता है तो कंप्यूटर बेसिक बना लीजिएगा, और यहाँ पर फंडामेंटल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फंडामेंटल में क्या क्या यूज करते हैं आप
मेमोरी हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें है, तो यहाँ पर यूज इसको कर सकते हैं। आप इसमें कुछ चित्र यूज करना चाहते हैं, कुछ चित्र दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया गया है, पिक्चर को भी क्लिक करके आप बना सकते, पिक्चर ले सकते हैं, फोटो, और यहाँ टेबल पर इंसर्ट कर सकते हैं, या तो टेबल आपको इंसर्ट में एक मिल जाएगा, इंसर्ट मेन्यू में अगला वीडियो में पढ़ा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर दिया गया है टेबल भी कर सकते हैं, चार्ट भी दिया गया है, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भी दिया गया है, और यहाँ पर वीडियो भी दिया गया, क्लिप मतलब जो यूज करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया क्लिप आर्ट, तो क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो क्लिप आर्ट भी ऑप्शन आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब ब्लैंक अगर यूज करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पेज जो है, दस्तावेज जो है एकदम सादा आ गया है, और यहाँ पर लिखा गया लेआउट, तो लेआउट में आप लोग यहाँ पर सेम दिया गया है, तो सेम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो भी यूज करना चाहते हैं लेआउट में। यार रिसेट दिया गया, तो रिसेट आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, रिसेट को या डिलीट दिया गया तो डिलीट वाला ऑप्शन दिया गया तो डिलीट भी कर सकते हैं, रिसेट करना चाहते तो रिसेट भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दे दिया फॉन्ट, तो फॉन्ट आप लोग क्या करना चाहते हैं, अगर फॉन्ट में अगर आप अपना बढ़ाना चाहते हैं साइज, तो फॉन्ट यहाँ साइज दिया गया, फॉन्ट साइज आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं ये अपनी इच्छा अनुसार, और फॉन्ट स्टाइल आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टाइल जो अनेक प्रकार के दिए गए हैं, तो यह स्टाइल भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर पॉइंट पॉइंट आपको बढ़ाना है तो यहाँ से पॉइंट पॉइंट क्लिक करके आप लोग बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से घटा भी सकते हैं। यहाँ पर मैं बोल्ड तो बता ही दिया हूँ आप लोगों को, बोल्ड करना है, अगर अनबोल्ड करना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे एक बार और आपका अनबोल्ड हो जाएगा, क्लिक करना है इसी पर तो बोल्ड आप थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा आपका टेक्स्ट, आपको पूरी जो है जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है इटैलिक, इटैलिक मतलब होता है तिरछा, आपको जो टेक्स्ट है वह तिरछा करना है, बस यहाँ पर खाली एक बार आप लोगों को क्लिक करना है, यदि कि आपका तिरछा में टेक्स्ट हो आपका मिल जाएगा। इसके नीचे अगर अंडरलाइनिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा और यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये आपका अंडरलाइनिंग यहाँ पर हो चुका है। अगर इसमें आप लोग यूज करना चाहते हैं इसको, अगर मान लीजिए टेक्स्ट आपका गलत वर्ड है तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिक करके इसको क्लिक कर देंगे तो ये बीच में आपको दिखा देगा इस तरीके से रॉन्ग आपका टेक्स्ट दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है आपका लोअर केस अपर केस, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ सेंटेंस केस, तो सेंटेंस केस में यह दिया गया अपर केस में, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं लोअर केस में तो यहाँ क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ये आपका लोअर केस में यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, बस यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपको रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको लोअर केस अपर केस भी इसको भी क्या कर सकते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए आपका अपर केस हो गया, यहाँ से लोअर केस हो जाएगा यहाँ से, और सेंटेंस केस चाहते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस क्लिक भी कर देंगे, ये आपका टेक्स्ट इस तरीके से बदल करके यहाँ पर आ जाएगा, जिस फॉर्म में आप चाहते हैं उस फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो टेक्स्ट में कलर आप लोगों को बता दिया हूँ, इसमें अनेक प्रकार के कलर मिलते हैं, आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं जो भी आप लोगों को कलर पसंद होगा यहाँ से। और यहाँ पर दिया गया है मोर कलर, तो मोर कलर ऑप्शन में जा करके आप इसका अनेक प्रकार से यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड दिया गया है, कस्टम दिया गया है, जिसमें फील करना चाहते हैं यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया कलर मोड, कलर मोड में आप एचडी कर देंगे तो आपको कलर जो है यहाँ पर मिलने वाला है अनेक प्रकार की डिजाइनिंग के साथ, यहाँ पर मोर कलर में आ जाएंगे और यहाँ पर स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, जो भी कलर आप लोगों को चाहिएगा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कलर ला सकते हैं। यहाँ पर आरजीबी आपका जो कलर देता है, आरजीबी सबसे बेस्ट आपका यहाँ पर, आरजीबी में आपको ऑल कलर मिल जाएगा, और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा जो भी अगर घटाना बढ़ाना रहेगा कलर को तो इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं आपको कलर को, तो अपनी इच्छा अनुसार कलर बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दिया गया है, यह लिखा गया है क्लियर फॉर्मेट, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ क्या करना है, बस क्लिक करना है और इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्लिक कर देंगे तो पहले जैसा आपका जो है एकदम साफ सुथरा बना करके ये आपको दे देगा। इसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर है, इसको मैं क्लिक करूंगा तभी आपका हाईलाइटेड होगा, अन्यथा इस पर क्लिक करेंगे तो ये दस्तावेज पर क्लिक करने के बाद ये आपका हाईलाइटेड नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका हाईलाइटेड हो गया। यहाँ पर दिया गया है बुलेट, सो आप बुलेट का प्रयोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं,
जो भी आप लोगों को यूज करना होगा यहाँ पर बुलेट का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर दिया गया बुलेट में, बुलेट में और भी अनेक प्रकार के दिए गए हैं यहाँ पर बुलेट। पिक्चर यूज करना चाहते हैं पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, जो भी सिंबल लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन दिया गया, कस्टमाइज ऑप्शन में आप लोग यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला सिंबल लगाना है यहाँ पर, या फूल पत्ती यहाँ पर ऐसा विंडोज का, तो यहाँ पर त्रिशूल का, तो पत्ती का, जो भी आप थंब लगाना चाहते हैं आप थंब लगा कर यहाँ पर यूज करके यहाँ से ओके कर देना। ये देखिए आपका थंब लग के यहाँ पर आ चुका है। तो आप लोग यहाँ से बुलेट का प्रयोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है नंबरिंग का, तो नंबरिंग यहाँ पर यूज कर सकते हैं रोमन में, ए बी सी डी, जो भी आप लोग करना चाहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दिया देखिए अलग प्रकार से दिया गया बुलेट एंड नंबरिंग, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर बुलेट भी मिल जाएगा और नंबरिंग भी मिल जाएगा। तो दोनों यहाँ पर यूज करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। मैं इसको कलर भी आप यूज करना चाहते हैं यहाँ से, कलर जो रेड करना चाहते हैं यहाँ से, तो रेड भी आपका यह कलर देखिए रेड आपका कलर हो गया। जो भी कलर आप लोग यहाँ से देना चाहते हैं कलर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अलाइन टू लेफ्ट, तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो यह लेफ्ट साइड दे देगा, और यहाँ क्लिक कर देंगे तो यह आपका राइट साइड में दे देगा, और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आपको देने वाला है। जस्टिफाई से क्लिक करने से क्या होता है, जस्टिफाई दोनों ओर का एकदम सेम बराबर दे देगा, चाहे यहाँ पर टेक्स्ट जितना भी लिखे रहेंगे वो दोनों आपका साइज यहाँ पर बराबर देने वाला है जस्टिफाई से। यहाँ पर जस्टिफाई दिया गया है, रो दिया गया तो आप क्लिक कर देंगे तो ये भी दे सकते हैं यहाँ पर है, और जस्टिफाई मतलब दोनों साइड का यहाँ पर बराबर देने वाला है। ज़्यादा अगर टेक्स्ट रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है मैं इसको थोड़ा से कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर दिया गया है यह देखिए आपका दिया गया एक है लाइव लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट, और यहाँ पर लिखा गया राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट। तो जिस दिशा में आप लोग यूज करना चाहते हैं देख सकते हैं थंब आपका यहाँ पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर है, और इसको भी यूज यहाँ से देखिए यह अनेक प्रकार से यूज है इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है इसमें स्पेस अगर देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं दो इंटर और लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और जगह मैं देना चाहता हूँ, ये आपका मान लीजिए यहाँ पर चलिए हम टाइप ही कर दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया हूँ। इसको क्या करना है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इनके यहाँ पर जो दिया गया लाइन नंबर, इसके बीच की दूरी अगर बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं यहाँ पर, और बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये बड़ा बड़ा हो गया आपका टेक्स्ट यहाँ पर इसके बीच की दूरी का, और इसको कम करना चाहते हैं टेक्स्ट की साइज आपकी वही रहेगी लेकिन इसके बीच की जो स्पेसिंग है वो आपको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको कॉलम, आपको कितने कॉलम में बांटना है, दो कॉलम में तो दो कॉलम में बांट कर दे देगा यहाँ पर, और बिग कॉलम इसमें दिया गया है तो यहाँ पर नंबरिंग में देख सकते हैं दो लिखा गया है, तो यहाँ पर जितना बढ़ाना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं 16 तक, और यहाँ पर स्पेसिंग जो है कितना यूज करना चाहते हैं कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में आप लोग भी यूज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट कॉलम्स में, ये बांट करके आपको देने वाला है। यहाँ पर लिखा गया है टेक्स्ट, टेक्स्ट में जो ये टेक्स्ट लिखा गया है वो किस दिशा से आपका होना चाहिए, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, यहाँ पर सब आपको मिलने वाला है। यहाँ पर टेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल में दिया गया है, आपका वर्टिकल में दिया गया है, स्टैंड में आप, तो जैसे कि मान लीजिए आप क्लिक कर दिया तो ये देखिए टेक्स्ट आपको इस तरीके से मिल रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूँ यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर लिया तो आपका थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ पर क्या किया, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिया तो यहाँ पर आपको डिलीट हो गया। यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल ए कर लिया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका रोटेट मैं इस तरीके से दिशा में चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसे वर्ड में मतलब स्पेस में लाइनिंग में चाहता हूँ तो लाइनिंग में कर सकते हैं,
यहाँ से हॉरिजॉन्टल में अगर चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है टॉप में, मिडल में, बॉटम में, तो अगर टॉप में लिखना है टॉप में लिख सकते हैं, मिडल में लिखना है तो मिडल में, और यहाँ से क्या करना है बॉटम में चाहते हैं तो बॉटम में भी इसको यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को। और यहाँ पर दिया गया है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डिजाइन, तो जो भी अगर ग्राफिक बनाना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए आप क्लिक कर दिया और ये देखिए ग्राफिक आपका यहाँ पर आ गया है, और इसको आप अपनी अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिक जो है डिजाइन एक यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, और इसमें कलर देना है तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अनेक प्रकार के डिजाइनिंग दिया गया तो जो भी कलर यूज करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ डिजाइनिंग देखिए, यह देखिए डिजाइनिंग, यह डिजाइनिंग है, यहाँ पर टेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया, टेक्स्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर होम मेन्यू में आ जाते हैं और यहाँ पर दिया गया है शेप्स, तो शेप में जो भी डिजाइनिंग आप लोग चाहते हैं, यहाँ पर स्माइल चाहते हैं तो स्माइल भी बना सकते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं रोने वाला भी और हंसने वाला भी, दोनों आपका स्माइलिंग यहाँ पर इमोजी जो है आपका रेडी हो गया। इमोजी कलर देना चाहते हैं तो इमोजी कलर भी दे सकते हैं आप लोग हैं। और यहाँ से इसका जो आउटलाइन है, यहाँ से आउटलाइनिंग अगर बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से घटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं आप लोग यहाँ से, हंसते हुए अच्छा लगेगा यहाँ। इसके बाद क्या करना है यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, आपको फॉर्मेट भी आपको मेन्यू बहुत बढ़िया से पढ़ा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर दिया अरेंज, तो अरेंज मतलब ये होता है आपका यहाँ पर अरेंज, इसको सहेजना होता है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल, जैसे कि यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कलर कर दे रहा हूँ थोड़ा से दूसरे कलर में, ये देखिए आपका, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है सहेज सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप बिंग बैक चला जाएगा यह आपका, और यहाँ से क्या कर सकते हैं फ्रंट भी आपको यहाँ से ला सकते हैं, फ्रंट ये आपका आ जाएगा और यहाँ से बैक करेंगे तो बैक आ जाएगा, फॉरवर्ड करना चाहते थे ये देखिए आपका फॉरवर्ड आगे पीछे करना होता है, यहाँ पर इसको किस दिशा में चाहते हैं लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, यहाँ पर अलाइन लेफ्ट यूज कर सकते हैं, तो वैसे हम माउस से ही आपके क्या कर सकते हैं ड्रैग आसानी से यहाँ से कर सकते हैं उठा करके, ये ध्यान में रखिएगा माउस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, और इसको थोड़ा से मैं यहाँ पर उठा के सम कर दिया, ये पिक्चर का ये आपका हो गया। इसको भी कलर अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं खोल दिया, इनको थोड़ा सा एक कलर दे सकते हैं कलर, आप इसको भी यहाँ से ये वाला दे देंगे नीचे का तल, ये देखिए आपका आउटलाइन हो गया, आपका फिल कलर हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कलर तो मैं दिखाई दिया, यहाँ से जो शेप बनाया गया उसका कलर आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये देखिए आपका कलर, ये आपका कलर देखिए चेंज हो गया आपका, और यहाँ से क्या आउटलाइनिंग भी दिखा सकते हैं, आउटलाइनिंग भी यूज कर सकते हैं, मैं अभी आउटलाइनिंग का यूज करके दिखाया हूँ, फिर से दिखा दे रहा हूँ, मान लीजिए ब्लैक करना है तो ब्लैक ही आपका देखिए ब्लैक दिख रहा है। और यहाँ पर क्या करना है होम मेन्यू में आकर करने के बाद यह बच गया क्यूक स्टाइल, तो क्यूक स्टाइल में यह स्टाइल भी आप लोग दे सकते हैं जैसा स्टाइल आप लोग चाहते हैं, यहाँ से तो कलर देना चाहते हैं कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल में अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पर शेप इफेक्ट अगर चेंज करना चाहते हैं, यह इफेक्ट इसमें डालना चाहते हैं तो यह देखिए आपका इफेक्ट भी पड़ गया इसके अंतर्गत, और भी आपको इफेक्ट 3D में लाना चाहते हैं तो 3D में भी ला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यहाँ पर यह देखिए आपका 3D में भी आपको मिलने वाला है यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया फाइंड, तो फाइंड मतलब ढूंढ के आपको बताएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ है, चलिए तो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर चंडेश्वर, और यहाँ पर क्या करना फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए चंडेश्वर को सेलेक्ट करके आपको बता दिया कि आपका यह टेक्स्ट यहाँ पर है मौजूद, इसको मैं कैंसिल कर दिया। रिप्लेस मतलब अगर उसको बदलना चाहते हैं टेक्स्ट को, यह चंडेश्वर की जगह का कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख करके उसको चेंज भी कर सकते हैं, चलिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ चंडेश्वर की जगह यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गंभीर वन, और यहाँ क्या करूँगा
रिप्लेस कर दूंगा। और ये देखिए गंभीर वन यहाँ पर आपका चेंज होकर के आ गया है। सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट यहाँ से क्लिक करके ऑल सेलेक्ट भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये आपका पढ़ा दिया आपका पावर पॉइंट का होम मेन्यू। इसी तरीके से आपको इंसर्ट डिजाइनिंग यहाँ पर एनिमेशन स्लाइड व्यू बताऊंगा आपको पावर पॉइंट का। जितना भी आपको यहाँ पर स्लाइड दिया गया है सबको स्लाइड का आपको बताने वाले हैं आप। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।